लागल बगल न मजनुआ से टूटे भले बन्हा जाए दोसरा के खूंटे लागल बदल न मजनुआ से टूटे भले बन्हा जाए दोसरा के खूंटे रहब नहीं चलिया इब जाके ससुरार हो एह धन के मालिक हटे हमर मजनुआ हो भले डोली ले जाई है भाटार हो कैसे सहब रोई यार हो बाद हम लोग एक साथ एक मंच पर एक छत के नीचे जमा हुए हैं। तीन गुना मनोरंजन के साथ आप सबके सामने हम सब हाजिर हैं IBFA 2023 में। भोजपुरी और भोजपुरियत के एक ग्रैंड सेलिब्रेशन में रउआ सब भोजपुरी जनता जनार्दन के गोर छुके प्रणाम कर रहल बानी हम बानी यश कुमार और आप सबके सामने नया रूप में लेके आयल बानी IBFA के छठवां एडिशन तैयार बाटे जौन रउआ सबके सामने बाटे का आप सब भी तैयार बानी IBFA खातिर। एकर स्लोगन जानता है का बा? आज के अवार्ड के स्लोगन बाटे की भोजपुरिया हिला दे बुर्ज खलीफा। चलिए मैं मंच पर बुलाने जा रहा हूँ एक ऐसी अदाकारा को जिसने अपनी आवाज से रोते हुए को हंसाया है गुदगुदाया है। उस कलाकार के लिए उस अदाकारा के लिए क्या कहूँ, मैं खुद ही उनका फैन हूँ। जब भी सैड होता हूँ तो उनके वीडियोस लगा लेता हूँ, हंसता रहता हूँ। मंच पर बुलाने जा रहा हूँ सुगंधा मिश्रा को। जोरदार तालियों से स्वागत करें सुगंधा मिश्रा। इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सभी व्यूअर्स को मेरे यानी सुगंधा मिश्रा की तरफ से नमस्कार प्रणाम पाव लगातानी। ठीक बोला, गोड़ छुके गोड़ लगातानी नया ट्रेंड में बा आजकल। गोड़ छुके गोड़ लगातानी। अच्छा, गोड़ छुके गोड़ लगातानी। हाँ। पाव लगातानी उहे गोड़ मतलब पाव। ओके, मुझे सिखा दीजिएगा। गोड़ छुके गोड़ लगातानी। ओके, मतलब गोड़ छुके गोड़ लगातानी। ओके, ठीक है तो मुझे अभी आज आप थोड़ी बहुत भोजपुरी में सीख के जाऊंगी आपसे। एकदम, हम एकदम बलिया जिला का यहाँ फर्राटेदार। अरे क्या बात है यार, सुगंध नहीं आ रही आपको? मैं आ गई हूँ।
जिस मंच पर सुगंधा हो उस महफिल में खुशबू, उस महफिल में सुगंध तो ऑटोमेटिक आ ही जाती है। माका ता कि ना हो भोजपुरिया। हमारा नाम है यश कुमार मिश्रा। क्या बात कर रहे हैं, बस मिश्रा ही मिश्रा और कौनो नहीं तीसरा। दीदी मेरे सपने में आई थी। अच्छा। और उन्होंने IBFA के लिए कुछ संदेश भेजा है। नमस्कार। आशीर्वाद बेटा बस तू नहीं, हुटिंग की शाबाश शाबाश, जीते रहे जीते रहे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, खुशी का है दिन आज आया, भोजपुरी पूरी दुनिया में छाया, आज मिलकर करें सेलिब्रेशन, ये अब सबके करम, IBFA नंबर वन, पूरी दुनिया की शान, IBFA नंबर वन, ये अब सबके करम, IBFA नंबर वन, पूरी दुनिया की शान, IBFA है नंबर वन। नमाती के भाई सम्मान, इत भोजपुरी सुनी दुनिया जहान। सुगंधा जी ने जो आवाज यहाँ पर दी, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी, इनसे खूबसूरत आवाज ना आज तक इस पृथ्वी पर पैदा हुई थी ना शायद होगी। सो मच। मेरी एक गुजारिश है यश जी आपसे, मुझे प्लीज सुगंधा जी मत कहिए, क्योंकि अगरबत्ती और पान मसाले के ब्रांड जैसा साउंड करता है। जस्ट चिल, यू नो यू कैन कॉल मी सुग्स। मुझे तो ये कहा गया था कि मेरे साथ एक सुपरस्टार भी आने वाले हैं जो होस्ट करेंगे। हाँ। वो आए नहीं अभी तक, कहाँ है? एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। सलमान खान आ रहे हैं क्या? माल करते हो पांडे जी आप। अरे भाई पहले हम जाएंगे फिर तुम जाइए, हम पहले जाके कविता सुनाएंगे। ये तो जावेद जी की आवाज लग रही है ना। डैड ऐसा मत कीजिए प्लीज, मुझे पहले जाने दीजिए, मैं आऊंगा, मैं आके गाना भी। फरहान, फरहान, ये तो फरहान की आवाज है। एक मिनट, कोई नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा। ये लगाओ रे म्यूजिक लगाओ। थैंक यू बाबा।
म्यूजिक बंद क्या को किया, नाचो। इतना मजा आया मेरे को आज, कैसे हो आप लोग? अरे भैया, मनोज तिवारी जी है यहाँ पर, निरहुआ जी है यहाँ पर, कहीं भोजपुरी अवार्ड बोल के मेरे को पार्लियामेंट में तो नहीं भेज दिया? मेरे को तो लग रहा है मैं पार्लियामेंट में आ गया हूँ। देखिए आप IBFA में हैं और यहाँ पर 3 गुना मनोरंजन होने वाला है। 3 गुना मनोरंजन? जी मतलब नील नितिन नितेश। अरे नहीं, नील नितिन मुकेश। नील नितिन नितेश, नील नितिन नितेश ही तो बोला मैं। नील नितिन मुकेश, नील नितिन मितेश। अरे वैसे क्या लाइटिंग किया है, फुल धमाल चकाचक फुल खर्चा किया है, ऐसा लग रहा है कि मैं दुबई में हूँ। अरे तो ये दुबई ही है। तभी मैं बोलूं कि बाहर 2 आरबी भाई साहब खड़े रहे कि लिट्टी चोखा क्यों खा रहे थे? क्या? हाँ, और एक थे वो तो खजूर खा रहे थे, वो भी ऐसा करके। मैं तभी समझ गया दुबई में भी भोजपुरी रंग चढ़ चुका है। जोरदार तालियां हो जाए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, शो को आगे बढ़ाते हैं। यार सुगंधा, अगली जो लाइन है हाँ? ये कहने के लिए मेरे अंदर से जावेद अख्तर साहब आना चाहते हैं। क्या बात है, जावेद जी के लिए तालियां। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वाह वाह, कि अगर फिल्मों से म्यूजिक निकाल दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा? फिर सोचता हूँ कि ठीक वैसा ही होगा जैसे पजामे से नाड़ा निकाल दिया जाए। सही कहा, सही कहा। अब म्यूजिक की बात चली रही है तो चंद लाइनें कहना चाहूँगा। इरशाद इरशाद। जिनकी धुन हम अपने होठों पर गुनगुनाते हैं, वाह, जिनकी धुन हम अपने पार्टियों में बजाते हैं, क्या बात है, जिनकी धुन पे नाचते हैं और नचाते हैं, ऐसी कमाल की धुन बनाने वाले ही तो म्यूजिक डायरेक्टर कहलाते हैं। ओहो क्या बात है, यानी हमारा अगला अवार्ड है बालाजी वेफर्स बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड का। बालाजी वेफर्स बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। और इस अवार्ड को देने के लिए हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे बालाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड के मार्केटिंग मैनेजर जय सचदेव जी को। IBFA 2023 बालाजी वेफर्स बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड गोज टू मिस्टर रजनीश मिश्रा फॉर डोली सजा के रखना। एक्ट्रेस अम्रपाली दुबे जी बैठी हुई हैं। थैंक यू अभय भैया, IBFA को इतना बड़ा बनाने के लिए और IBFA के माध्यम से भोजपुरी को इतना बड़ा बनाने के लिए। थैंक्स। चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला अवार्ड। हमारा अगला अवार्ड है बेस्ट डेब्यू एक्टर फीमेल 2021 का, और विनर को सम्मानित करने के लिए मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर TP अग्रवाल, श्री अभय सिन्हा जी और श्री संजय सिन्हा जी को। बेस्ट डेब्यू हर्षिका पुनेचा। दुबई में,
जरूरी हो। कलकत्ता से आई बारूदा है लू तू मुंबई में। अच्छा। कलकत्ता से आई बारूदा है लू तू मुंबई में। एक रात गुजारो रानी हमारा साथ दुबई में। मोरे रानिया दिल जानिया हम खाके जहरिया मर जाई। मोरे रानिया दिल जानिया हम खाके जहरिया मर जाई। हम खाके जहरिया मर जाई। कैले बात प्यार जानी कर इनकार कैले रहू तो वादा नहीं बदलाई रात। ऐसे छोड़ के जतो जाइबू एक के जियत न पाइबू। हा हा जियत न पाइबू वे हो जियत न पाइबू जियत न पाइबू। और अब बारी है उस अवार्ड की जिसे वही पा सकता है जो अपनी मेहनत के दम पर तैयारी जीत की करके आता है और अपनी पहली फिल्म से लोगों के दिलों पर छाप छोड़ जाता है। और ये अवार्ड है कैडबरी बॉर्नविटा बेस्ट डेब्यूटेंट डायरेक्टर का। अनंजय रघुराज loveviva.com। मैं अनंजय रघुराज loveviva.com का निर्देशक हूँ डायरेक्टर हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। लव यू। हमारा अगला अवार्ड है बेस्ट फिल्म 2021। निशांत उज्जवल को जाता है। संजय बाबा जी एक बात बताइए, भोजपुरी फिल्मों में आपकी फेवरेट जोड़ी कौन सी है? अरे वो है ना, वो जबरदस्त डांस करते हैं, गाते हैं, एक्टिंग करते हैं पार्लियामेंट में फिल्मों में। अच्छा। जिन्होंने इंडस्ट्री में अपना नाम बहुत बड़ा किया है, क्या नाम है उनका? ये निरहुआ। निरहुआ। क्या बात है। और जोड़ी में दूसरा नाम? दूसरा नाम वो निरहुआ और दुब्रपाली अमय। धूम्रपाली अमय नहीं, अम्रपाली दुबे। क्या जोड़ी है यार, लेकिन एकदम धर्म जी और हेमा मालिनी जैसी यार। बिल्कुल। इसलिए तैयार हो जाइए एक जोरदार डांस परफॉर्मेंस देखने के लिए, जोरदार तालियों के साथ। कम ऑन। भरल बाका राउंड फूल करा साउंड एक कहीं को गाना बजाओ चार राउंड। अरे बजाओ मर्दा। भरल बाका राउंड फूल करा साउंड एक कहीं को गाना बजाओ चार राउंड। नोट नमरिया लेके छूट उड़ावो हो तन कमर हिला के नाचा। आज ठुमका लगा के नाचा तन झूम के मूड बनावो। सबके मन बहलाई हमर गाना हमर धुन पे नाची सारा जमाना ई जमाना। सबके मन बहलाई हमर गाना हमर धुन पे नाची सारा जमाना। लगेला तोहर डॉट डॉट बबी बबी जली हो खा तू बेकाबू दिलवा पे रखा काबू बनाल रही तो हर छवि छवि। तू बड़ू बूते हॉट हॉट पहिरलो कपड़ा शॉर्ट शॉर्ट लगेला तो घर डॉट डॉट बॉबी जली हो खा तू बेकाबू दिलवा पे रखा काबू बनाल रही तो हर छवि। 22 के जेजे और फेस बनू रानी हमके चिखादा चॉकलेटी जवानी हमके चिखादा चॉकलेटी जवानी
हमके चिखादा चॉकलेटी जवानी, हमके चिखादा चॉकलेटी जवानी। बात आप सभी को मेरी तरफ से ग्रेट सल्यूट। अरे वाह, कमाल के लग रहे हैं, क्या नजारा देख रहा हूँ। वाकई में तीन गुना मनोरंजन अगर होता तो ऐसा ही होता। अरे वाह अमरपाली, कैसी है? तुम्हें एक राज की बात बताऊं, मैं चश्मे के अंदर से तुम्हें कब से आंख मार रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात? कैसा है उदित, और यहाँ कैसा आना हुआ? अरे वो मेरा खट्टा खाने का मन कर रहा था तो मैं आ गया। अरे बकलोल हो क्या, अवार्ड शो है और मैं ना हूँ, ऐसा तो होता ही रहता है, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे गा नहीं रहा हूँ, आपकी जिप खुली है। क्या? अरे पैंट की नहीं, कोट की खुली हुई है। हाँ वो जीबी नहीं, बटन वाला एड़ा है क्या बे? क्या बात है, क्या बात है। पवन जी, मनोज जी, निरहुआ जी, सर 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 सर, ऐसा लग रहा है कि मैं जमीन पे नहीं आसमान में आ गया हूँ, क्योंकि इतने सारे सितारे मेरे सामने बैठे हुए। जोरदार तालियां इनके लिए, क्या बात है। एक से एक गुनी लोग बैठे। अरे कल्लू को देख लो, क्या बात है, जिस उम्र में बच्चे नाड़ा पकड़ते हैं इसने सुर पकड़ लिया। और एक मेरा बेटा है, सुर पकड़ता तो नारा छूट जाता है और नारा पकड़ता तो सुर छूट जाता है, और जब दोनों छूट जाता तो मेरी हंसी छूट जाती। अरे मनोज जी कैसे हैं? मनोज भैया कमाल के हैं, क्या बात, इनके बारे में क्या कहूँ मैं, ये इतने दानी है, इतने दानी है। परसों भिखारी को शेरवानी दान कर दी, अब वो बेचारा भीख मांगने के बजाय लड़कियों के हाथ मांग रहा है। लोगों को देख के अब मैंने भी सोचा है कि मैं भी कुछ बड़ा करूंगा, इसलिए मैं अब प्याज का ठेला लगाऊंगा। अरे प्याज का ठेला लगाने से कौन बड़ा बनता है? अरे कैसी बातें कर रहे हैं, अरे पुदीना बेचने वाले स्टार बन सकते हैं, लिट्टी बेचने वाले सुपर स्टार बन सकते हैं, तो हम भी प्याज बेच के कुछ न कुछ तो बन ही जाएंगे। अरे कैसी बातें कर रहा है, ये सारे बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। अरे कितने भी बड़े सेलिब्रिटी हो, आम तो ऐसे चूसते होंगे ना। अरे उदित कैसी बातें कर रहा है, अरे चल्ला, अबे सिंगिंग अवार्ड देने का टाइम हो गया है, अभी बारी है IBFA 2023 बेस्ट सिंगर बेल की,
और इस अवार्ड का नॉमिनेशन है IBFA 2023 बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल के नॉमिनेशंस बाद बेस्ट सिंगर मेल वन एंड ओनली पवन सिंह। सिंगर मेल के बाद अब बारी है IBFA 2023 बेस्ट सिंगर फीमेल की और इस अवार्ड का नॉमिनेशन ये रहे IBFA 2023 बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल के नॉमिनेशंस बार और बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड जाता है IBFA 2023 बेस्ट सिंगर फीमेल की विजेता बाड़ी प्रियंका सिंह। पिया जी के मुस्की हमरा लागे लाब जोड़ रे सखी। नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ पार्श्व गायिका प्रियंका सिंह और आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में जो मैंने गाना गुनगुनाया उस गाने का सम्मान है दुबई में आयोजित IBFA 2023 अवार्ड्स में मुझे पिया जी के मुस्की गाने के लिए अवार्ड मिला है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस अवार्ड के ऑर्गेनाइजर अभय सिन्हा सर का, जी बाइस्कोप का। अब आपके सामने वो एक्ट्रेस परफॉर्म करने आ रही हैं जो प्राइमरीली है तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से, लेकिन IBFA के साथ उनका एसोसिएशन बहुत ही तगड़ा और पुराना है। जिनका स्वागत आप जोरदार तालियों से करेंगे, सुपर क्यूट एंड टैलेंटेड एक्ट्रेस रश्मि देसाई। Yeah.
वैसे तो ये सच बात है कि लोगों को हंसाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, लेकिन ये मुश्किल काम बहुत आसानी से कुछ टैलेंटेड लोग लगातार करते आ रहे हैं, और आज हम उसी टैलेंट को सम्मानित करेंगे। कॉमेडियन संजय वर्मा। और अब बारी है हमारे अगले अवार्ड की, जो है डैजलर इटर्ना फीमेल डेब्यूटेंट एक्टर अवार्ड, जो मिलेगा उस एक्ट्रेस को जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से सबको अपना दीवाना बना लिया है। और इस अवार्ड को देने के लिए हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे अरविंद लेबोरेटरीज के महेश्वर राव जी को। जोरदार तालियां। गुड इवनिंग सर, प्लीज डू द ऑनर्स। डैजलर बेस्ट डेब्यू एक्टर गोज टू मेगाश्री फॉर राउडी इंस्पेक्टर। सबको नमस्कार, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को, पूरे भोजपुरी ऑडियंस को मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत कम समय में उनके दिल से मुझे अपनाया है। ये मेरा पहला भोजपुरी अवार्ड है एंड ये मेरा पहला अवार्ड है, सो थैंक यू IBFA एंड याशी फिल्म्स। क्या बात है, थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। सुगंधा, आज जब मैं फ्लाइट में बैठा था तो मेरे बगल में एक बेहद खूबसूरत लड़की बैठी थी। लाल लाल गाल, वाह, बिल्कुल कश्मीर के सेब की तरह। फिर मैंने उसका नाम पूछा, उसने बोला अनार। अरे अनार नहीं, अनारा। इसलिए तुमसे पर लड़की नहीं पड़ती, पता नहीं मैं कहाँ से फंस गई। खैर, ये अनारा की बात कर रहे हैं, अनारा गुप्ता, भोजपुरी की सुपरस्टार हीरोइन। और वैसे अगर तुमने देखना ही है ना तो आंखें खोल खोल के देख सकते हो, क्योंकि अगला परफॉर्मेंस होने वाला है अनारा गुप्ता और राघव नैयर का। सिनेमा को एक बात कहना चाहता हूँ, आपके लिए गाना डेडिकेट कर रहा हूँ। तुम हो तो गाता है दिल, गाता है, तुम नहीं तो क्या है यहाँ। सॉरी, माफ कीजिए, गला थोड़ा खराब है आज, गला बैठा हुआ है लेकिन मैं खड़ा हूँ।
की तरफ, जो है पार्ले राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का, यानी कि वो स्टार जो पिछले साल सूरज की तरह राइज हुआ है। और इस अवार्ड की घोषणा करेंगे श्री अभय सिन्हा जी और सुपरस्टार गोविंदा जी। अरविंद अकेला कर लो, अगला अवार्ड है पॉपुलर फेस ऑफ ओटीटी मेल। हमारे इंडस्ट्री के हमारे राइजिंग स्टार रितेश पांडे जी को गोविंदा जी के हाथों हम अवार्ड देना चाह रहे हैं। भाई पांडे जी के लिए तालियां हो जाए। बारी है पॉपुलर फेस फीमेल ओटीटी। IBFA 2023 पॉपुलर फेस ऑफ ओटीटी फीमेल की विजेता बाड़ी रक्षा गुप्ता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जितनी बेताबी से कुवारे देखते हैं उससे ज्यादा बेताबी से शादीशुदा देखते हैं। भरोसा ना हो तो फ्रंट रो में बैठे हमारे मनोज जी दिनेश जी से पूछ लो, वो अब तक खामोशी से क्यों बैठे हैं? अरे वो ये सोच रहे हैं कि जैकलीन आने वाली है, वरना अब तक तो समर सेशन के नाम पर दिल्ली चले गए होते हैं। ओके ओके, सो गर्ल्स, लेसन ऑफ द डे इज मर्द पर हमेशा नजर रखो, और अभी तो ज्यादा रखो, क्योंकि बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन सुपर हॉट एंड सिजलिंग जैकलीन फर्नांडिस आने वाली है। कम ऑन तालियां। सबका से प्यारा हमर देश, मेहमान होले भगवानों से बढ़ के खूबी हा सबसे विशेष। जाने जहान हुए सोना के चिराई, सबका से प्यारा हमर देश, मेहमान होले भगवानों से बढ़ के खूबी हा सबसे विशेष। इंडिया घुमाई बच्च
रस से भरा लहा बना रस सहारिया अस पला से पियाई बुए गुरिया भूले पैबू न जिलेबी तू कचौड़ी गली के भूला दानी संकट मोचन बजे रंग बली के ऐसे आदर है मेरी सब कहते सोने की पारी समझे ऐसे यादार है मेरी सब कहते सोने की पारी मैं हूँ अलबेली लड़की ना बेली दुनिया सारी ये मुझ पे मरती है जानना चाहते हो कैसा लग रहा है IBFA अवार्ड्स में आकर मेरे को तो बहुत मजा आ गया यार जोरदार तालियां हो जाए इतना मजा आया मेरे को हकीकत की बात बोलूं तो कल मेरे को हॉलीवुड से फोन आया क्या बात है एक जन का फोन आया बोलता है मेरे को भी आना है वाओ हॉलीवुड माय गॉड कौन थे वो लियोनार्डो डी कैप्रियो एक सेकंड उनका नाम है लियोनार्डो डी कैप्रियो वही लियोनार्डो डी कैप्रियो अरे यार कैसा नाम रखा है लियोनार्डो डी कैप्रियो कैप्रियो कितना डिफिकल्ट नाम रख दे रहे लोग फॉरेन वाले अपना भोजपुरी का मस्त है धूम्रपाली अमय अरे वो अम्रपाली दुबे है मैं तो प्यार से अम्मू बुलाता हूँ अम्मू वी ऑल लव यू तो मैं क्या बोल रहा था वो लियोनार्डो डी कैप्रियो लियोनार्डो डी कैप्रियो इतना उसको हार्ड बोर रखने जाते अपन उसको सिंपल करते हाँ। टाइटैनिक का हीरो ये बेस्ट है उसका okay. मेरे को फोन आया मेरे को बोलता है बाबा पहले तो आधा घंटा इंग्लिश में बात किया हो बाद में बोला अभी हिंदी में बोल तो बोलता हाँ तो मेरे को भी IBFA 2023 में अवार्ड मांगता है क्या बात कर रहे हैं हाँ मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं चलेगा तू टाइटैनिक बना है तो तेरे को टाइटैनिक भोजपुरी में बनाना पड़ेगा टाइटैनिक भोजपुरी में पिक्चर का नाम भी दे दिया उसको मैंने क्या जहाज डूबेल पानी माँ पेंटिंग बनाए नानी माँ और शूटिंग चालू होगी हाँ। कोशी नदी में कोशी नदी में हाँ कोशी नदी में जहाज जा रहा है कोशी नदी का पानी पूरा लाल है लाल हाँ क्यों? लोगों ने जहाज से थूक थूक के पान थूक थूक के लाल किया पूरा हाँ। ओके ओके और फिर उसको अवार्ड मिल सकता है ऐसी संभावना है ऐसा बोला उसको लेकिन कंपटीशन बहुत है यहाँ पे देखिए एक से एक टैलेंट बढ़ा है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में अब हम बढ़ते हैं उस अवार्ड की तरफ जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से क्रिटिक को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया यानी कि क्रिटिक चॉइस अवार्ड्स की तरफ और इस कैटेगरी में हम सबसे पहले सम्मानित करेंगे बेस्ट एक्टर क्रिटिक चॉइस फीमेल को और इस अवार्ड की घोषणा करेंगे मिस्टर अभय सिन्हा और जैकलिन फर्नांडिस बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक स्मृति सिन्हा घर वाली बाहर वाली टू कांग्रेचुलेशंस सिनेमा हॉल में ताली और सीटी तो दर्शक बजाते ही हैं लेकिन बड़ा मुश्किल होता है दर्शक के अलावा उन लोगों को खुश रखना जो फिल्मों के ग्रामर की परख रखते हैं और इसीलिए अब बारी है बेस्ट एक्टर क्रिटिक चॉइस मेल की IBFA 2023 बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स के विजेता बाड़न दिनेश लाल यादव निरहुआ नमस्कार आप सभी लोगों को और धन्यवाद ईश्वर को धन्यवाद यूनिवर्स को धन्यवाद गुरु को धन्यवाद माता पिता को धन्यवाद यहां बैठे हम सभी गायक से नायक बने कलाकारों के लिए भगवान मार्गदर्शक मनोज तिवारी भैया
जैकलिन जी, भोजपुर की भाषा है भोजपुरी, और उसी भोजपुरी माटी में भोजपुर में आरा की धरती पे पैदा हुए हमारे भोजपुरी के लाल अभय सिन्हा, आपको मैं नमन करता हूं कि आपने मेरी मां की भाषा भोजपुरी है उस भाषा को इतना सम्मान दिलाया, पूरे दुनिया में आपने भोजपुरी भाषा का डंका बजाया है। हमारे जी परिवार को बहुत धन्यवाद देता हूं। इनके मुंह से आप लोग भोजपुरी डायलॉग सुनना चाहते हैं? ओके। आधी रात फुटपाथ पे मार के सूते पौआ। ट्राई कीजिए जैकलिन। आधी रात फुटपाथ पे, फुटपाथ में मार के सूते पौआ, मार के सूते पौआ पौआ। और नहीं, अभी तो असली तो बचा है आखिरी लाइन, आधी रात फुटपाथ पे मार के सूते पौआ, बेटा हमारे नाम नहीं रहुआ। धीरे धीरे, ओके। बेटा हमरे नाम निरहुआ 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 हा। तो बढ़ते हैं हमारे अवार्ड्स की तरफ। बेस्ट स्टोरी राइटर को सम्मानित करने के लिए हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे फिल्म प्रोड्यूसर श्री महेंद्र धरीवाल जी को और फिल्म प्रोड्यूसर श्री जितेंद्र गुलाटी जी को। बेस्ट अवार्ड स्टोरी का जाता है श्री मनोज कुशवा और हमार स्वाभिमान। बेस्ट स्क्रीन प्ले संतोष मिश्रा और ससुरा बड़ा सतावेला। संतोष जी आए नहीं है, मैं उनके बिहाफ पे अवार्ड ले रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। तो अब बढ़ते हैं आगे हमारी अगली परफॉर्मेंस की तरफ। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए फॉर हर्षिका पुनेचा। I'm not afraid to die.
करते हैं। बेस्ट डायलॉग का अवार्ड वैसे सुगंधा मुझे लगता है कि मुझे ही मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनोज तिवारी जी के गले का राग और अपुन के डायलॉग का जवाब नहीं है। जैसे मेरा डायलॉग सुनोगे तुम लोग को अच्छा लगेगा। अच्छा। टिशू नहीं मिला तो अखबार देता हूँ। क्या बात है। टिशू नहीं मिला तो अखबार देता हूँ। गोली बंदूक तलवार की जरूरत नहीं, मैं डायलॉग से ही लोगों को सुला देता हूँ। तो बेस्ट डायलॉग का नाम मेरे को ही मिलना चाहिए। ये बात तो सही बोली आपने। वैसे ये डायलॉग से मतलब आपको ना मेरे हिसाब से डायलॉग का अवार्ड नहीं, आपको ऑटो रिक्शा भी नहीं मिलेगा। सच तो यही है। खैर हमारा अगला अवार्ड है सीटी मार डायलॉग लिखने वाले बेस्ट डायलॉग राइटर का, और इस अवार्ड को सम्मानित करने के लिए हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे श्री राजेश कश्यप और श्री किशन कपाड़िया जी को। गुड इवनिंग एवरीवन। IBFA 2023 दुबई की धरती में आप सब लोगों का स्वागत है। बेस्ट डायलॉग्स और विनर हैं राकेश त्रिपाठी फॉर लव विवाह .com। हमारे मित्र हमारे राइटर थे उस सिनेमा के राकेश त्रिपाठी जी, उनको अवार्ड मिला है तो उनके भी हाथ में मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, उनके घर तक ये पहुँचा दूंगा। मन रख दे लुधानी साचो ढाही के, जब कुर्ती पहनल भरवाही के, हम रोक न पाइले खुद चाही के, जब कुर्ती पहनल भरवाही के। बेस्ट कोरियोग्राफर को सम्मानित करने के लिए हम मंच पर बुलाना चाहेंगे मिस्टर राजकुमार सिंह और करण वाधवानी जी को। बेस्ट कोरियोग्राफर प्रशुन यादव जी को फॉर डोली सजा के रखना। बेस्ट आउटडोर एडवर्टाइजिंग गोज टू योगेश लखानी जी। मेरा नाम डॉक्टर महेश्वरी है और मैं योगेश जी का दोस्त हूँ, उनके ब्याह पे मैं कलेक्ट करना चाहता हूँ। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब अपनी परफॉर्मेंस से दिल दिमाग गुर्दा लिवर सब लूटने आ रहे हैं पावर स्टार पवन सिंह। हम कौन है? अंजना सिंह और डिंपल सिंह। मुस्कुराती हमार जीव जरेला।
हमेशा लेट करते हो तुम, कहाँ रह गए थे? अरे वो मेरा जूता टूट गया था तो। झूठ मत बोलो, यहाँ पे दाल का निशान दिख रहा है, खा रहे थे ना पीछे तो? बहुत झूठे हो तुम, बहुत झूठे हो। आप लोगों को पता है इसने शादी से पहले मुझसे कितने झूठ बोले? शादी से पहले उसने बोला मेरा करोड़ों का कारोबार है। करोड़ों का नहीं कहा था मैंने, पकौड़ों का कहा था। अगला परफॉर्मेंस होने वाला है अनारा गुप्ता और राघव नैयर का। तिरछी नजर से का देखा तार नतिया, काल रात तू तो तोड़ दिला खटिया। तिरछी नजर से का देखा तार करना चाहती हूँ अभय सिन्हा जी और अमरप्रीत सैनी जी को। जोरदार तालियां हो जाए। IBFA जब भी आता है तो कोई ना कोई नई मिसाल क्रिएट करता है। इस बार का IBFA भी एक नई पहल कर रहा है। IBFA इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स पहली बार हिंदी कैटेगरी के कंटेंट को, हिंदी कैटेगरीज की फिल्में और OTT सीरीज को भी नवाज रहा है। तो अब मैं अनाउंस करना चाहूंगा बेस्ट डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर फॉर हिंदी वेब फिल्म इंडिया लॉकडाउन एंड वर्सेटाइल डायरेक्टर ऑफ द डिकेड अवार्ड गोज टू मिस्टर मधुर भंडारकर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच अमित भाई, रिजन भाई, एवरीबडी ओवर ऑन द मंच पे। और थैंक यू सो मच टू माय प्रोड्यूसर्स जयंतीलाल गाड़ा जी, प्रदीप जैन जी, प्रणव जैन एंड द एंटायर स्टार कास्ट टीम, टेक्नीशियन, एवरीबडी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, दिस अवार्ड इज फॉर यू, थैंक यू। हम लोग स्टार ऑफ द मिलेनियम अवार्ड दे रहे हैं हम लोग के हिंदी इंडस्ट्री के जाने माने एक ही चीची भैया गोविंदा जी को। प्लीज स्टेज पे आइए गोविंदा जी, इनके लिए जोरदार ताली। हीरो नंबर वन फॉर लेजेंडरी गोविंदा सर के लिए, कम ऑन, कम ऑन, तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे चुनिंदा लोग होते हैं, ऊपर वाले ने पैदा किए होते हैं वो खास
जो वो पूरी दुनिया चलाते हैं उसमें से अभय सिन्हा जी एक है। क्या बात है, कहा तो भोजपुरिया सिनेमा आ जाया करता था तो लोग कहते थे अरे ये तो भोजपुरिया है, और कहा ये हाल है कि दिलीप साहब भोजपुरिया फिल्म सिनेमा किए वो सुपरस्टार हो गए, अमिताभ बच्चन जी भोजपुरिया सिनेमा किए वो सुपरस्टार हो गए, हम किए ईश्वर ने हमें भी सुपरस्टार तैयार कर दिया। और तो और जो भोजपुरी सिनेमा वाले हैं चाहे वो आदरणीय मनोज जी हो, चाहे आदरणीय नेहरुआ हो, चाहे वो आदरणीय रवि किशन जी हो, ये सब जो है तो शक्ति प्रदान हो गए हैं। मैं खास तौर पे धन्यवाद देता हूँ मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी का। मैं हर जगह जाया करता हूँ, माँ माँ किया करता हूँ, बहुत डांट पड़ती है घर में मैं एक वो बेटा हूँ जो माँ से कभी हिला नहीं, और मुझे एक पत्नी मिली है जो मुझसे हिलती नहीं है जो मिला है भाग्य में वो सब देवियों की कृपाओं की वजह से मिला है, तो धन्यवाद देता हूँ आपका। क्या बात है, सुनीता मैम के लिए जोरदार तालियां बजानी चाहिए, कम ऑन। एक्टर क्रिटिक चॉइस मेल 2021 की, और इस अवार्ड की घोषणा करेंगे मिस्टर अभय सिन्हा जी, मिस्टर टीपी अग्रवाल एंड जैकलिन फर्नांडिस। बेस्ट एक्टर क्रिटिक 2021 यश कुमार मिश्रा। थैंक यू सो मच बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर दंडनायक। ये अवार्ड मैं इस मंच से मेरी लक्ष्मी, मेरी प्यारी सी वाइफ निधि मिश्रा और मेरी प्यारी सी बेटी अदिति मिश्रा को समर्पित करता हूँ, और साथ ही समस्त भोजपुरिया जहान को। थैंक यू। क्या बात है। What's up Dubai? Kimcho madam assalamu alaikum habibi। Govinda ji pranam। Madhu ji, Rizwan bhai, Kishore bhai, this is all for you, bhabhi, and all my friends. IBFM! Kya baat hai, zordar taaliyan for IBFM 2023! Aur main chahta hoon aap do line, main ja raha hoon jaate jaate, Govinda ji ke liye aur jitne bhi yahan par hamare Bhojpuri superstars hain, unke liye gaayenge. Mere saath milke gaoge? Jo zor se gaayega uske 10 dirham. और जो कम गाएगा उसके 5। खाना नहीं दूंगा भाई, जोर से मेरे साथ। हाँ ओके। तू जाने ना तू कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए, बातें दिलों की देखो जो बाकी आके तुझे समझाए। तू जा जोरदार तालियां गोविंदा जी के लिए, रिजवान भाई के लिए, किशोर के लिए, मरहबा माय राइड डेडी बैट सबके लिए, जिन जिन्होंने मुझे माल दिया है सबके लिए, लॉट ऑफ लव। एंजॉय कीजिए, हैव ए गुड गुड नाइट, थैंक यू। जी नेटवर्क की ओर से आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूँ इस महामंच पर, इस उत्सव में जिसका नाम है IBFA अवार्ड। हम लोग एक नया पेशकश ला रहे हैं आपके सामने जिसका नाम है टिकुली, और जिस तरह से आप लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है उसी तरह से आगे चलते हुए भी आपका प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू सम्राट। बिहार में एक क्षेत्र है दरभंगा, और उसमें एक क्षेत्र है नेहरा। वहाँ की एक दंत कथा है कि वहाँ एक चुड़ैल का वरदान है, जब तक तुम्हारे चूल्हे दक्षिण दिशा में रहेंगे यहाँ सिर्फ उन्नति प्रगति और यहाँ खूबसूरती ही होगी। इसी दंत कथा से प्रेरित होकर के जी गंगा एक शो लेकर आया है टिकुली सुहागिन या अभागन, जो कि कहानी है एक ऐसी चुड़ैल की जो है तो अभागन, लेकिन उसे मिलता है एक परिवार जो उसके मुक्ति के द्वार खोलता है। ये किरदार निभाएंगे निशा झा और प्रवीण उपाध्याय। तो बिल्कुल जी भर के देखें टिकुली जी गंगा पे 8:30 बजे, और अपना पूरा का पूरा प्यार दें। थैंक यू सो मच। सुगंधा, मानो या ना मानो ये अवार्ड शो तुम्हें मेरी वजह से मिला है। हाँ, वो
बोल रही थी कि संकेत अकेला संभाल नहीं पाएगा, तो सुगंधा तुम्हारा सपोर्ट बहुत जरूरी है। याद रखो, अगर तुम्हारे पास जो दो फ्लैट है ना, वो मेरी वजह से है। सच बात है, पहले चार थे, दो इसकी वजह से बिक गए। मैं सपोर्ट ना करूँ ना तो कुछ नहीं होगा। मेरा हो जाएगा, मैं अकेली ही काफी। लेकिन फिल्म में मेन कैरेक्टर तभी आगे बढ़ता है जब उसके साथ कोई तगड़ा सपोर्टिंग कैरेक्टर हो। बिल्कुल, इसीलिए IBFA 2023 बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल को सम्मानित करने के लिए हम इनवाइट करना चाहेंगे श्री टीपी अग्रवाल, श्री अभय सिन्हा जी और अंकिता कुकरेती जी को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के नॉमिनेशंस बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अंजना सिंह, कंग्रेचुलेशंस मैम, बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल का अवार्ड जीतकर आप कैसा महसूस कर रही हैं? थैंक यू सो मच। IBFA 2K23 हमेशा से मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है और IBFA 2K23 इस बार दुबई में हो रहा है, इतने बड़े मंच पे मुझे और मेरे काम को रेकोगनाइज़ किया गया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं मेरा ये हैप्पी मोमेंट मेरी डॉटर, मेरी मदर और मेरे सारे ऑडियंस के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब अगला अवार्ड है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल का। IBFA 2023 बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के नॉमिनेशंस बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर संजय पांडे जी को जाता है। गजरारी नैन बार मारेला तो हल्लाला काली पिस्टिक, तो हल्लाला काली पिस्टिक जान मारेला, तो हल्लाला काली पिस्टिक जान मारेला, जान मारेला, जान मारेला। चला नमस्ते, आदा सत श्री अकाल, मैं हूँ जावेद। अच्छा, अगला अवार्ड जावेद जी अनाउंस करेंगे। चलिए चलिए बताइए। वैसे तो अच्छे कामों का अवार्ड मिलता है, लेकिन कई बार बुरे कामों का भी अवार्ड मिलता है, देना पड़ता है, क्योंकि वो लोग बुरे काम को इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि लोगों के मुंह से निकल जाता है कि वाह क्या कमीनापन दिखाया है आपने। और इसी तरह हमारा अगला अवार्ड जो है वो है कमीना, आई एम सॉरी, IBFA 2023 बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल का। और इस अवार्ड की घोषणा करेंगे मिस्टर अभय सिन्हा और मिस्टर टीपी अग्रवाल एंड अंकिता कुकरेती। IBFA 2023 बेस्ट विलन के नॉमिनेशंस बार बेस्ट विलन ऑफ द ईयर अवधेश मिश्रा जी को जाता है, जीना तेरे गले में 2। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर और एक्टर रितेश पांडे और रक्षा गुप्ता जी का। गुरी तुहरे आँख की कजरा लगला कमाल, ऊपर से बम फिगरी करेला बवाल, गुरी तुहरे आँख की कजरा लगला कमाल, ऊपर से बम फिगरी करेला बवाल, चल लु गजब के चाल, तलज के कमरिया हिलला सहरिया बारी बाऊ मिरिया गोरिया, तलज के कमरिया हिलला सहरिया बारी बाऊ मिरिया गोरिया। क्या बोले? लज के कमरिया हिलला सहरिया बारी बाऊ मिरिया गोरिया, तलज के कमरिया हिलला सहरिया बारी बाऊ मिरिया गोरिया। पागल अखिया में बाटे इश्क समंदर, मन करे कि डूब जाए हम अंदर। पिया दूर
देह अस्थिर तारा भाई। मैंने सुना है कि मनोज जी की ये क्रिकेट टीम है। बिल्कुल सबको पता है, और कैसी बातें करें बाबा। मनोज जी की क्रिकेट टीम है कि नहीं? अरे बिल्कुल है, और बहुत कमाल की ये कर रहे हैं। मैं उनसे आज एक बात बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली क्रिकेट मेरे को भी पसंद है। क्या बात है? आई लव क्रिकेट बट आई डोंट प्ले। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जिस चीज से आप प्यार करते हो उसके साथ खेल थोड़ी सकते हो। बातें तो आप कमाल की करते हैं। वैसे सर्किट, तेरे को एक बात बोलना चाहता हूँ। एक सेकंड, मैं सर्किट नहीं हूँ, पहली बात तो ये है। और अगर आप संजू बाबा के कैरेक्टर में आपका हो गया हो तो आप अपने पति के कैरेक्टर में आ जाइए। आप मेरे पति हैं डॉक्टर संकेत भोसले, और मैं आपकी वाइफ हूँ। वाइफ? अरे वाइफ नहीं, मेहरारू बोलो, मेहरारू। अच्छा मेहरारू, अभी तुम्हारा संजय तक बाहर निकालू। अरे यार बस बहुत हो गया, ठीक है। सबको पता चल गया है कि संजय बाबा भी तुम्हारे अंदर रहते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, शो को आगे बढ़ाते हैं। अवार्ड नाइट है आज, IBFA अवार्ड्स है, क्या बोलते हैं आप? शक्ल सूरत जात पात अमीरी गरीबी से परे, जो इंसानियत को अपना फर्ज बनाते हैं, गरीब जरूरतमंद मजबूर इंसान की तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हैं, जो दूसरों के दर्द को अपना बनाते हैं, जान की बाजी लगाने से भी नहीं चूकते, किसी की मदद करने के लिए जिसका नाम आम है, यही तो दिलदारी वाला काम है। क्योंकि आम वाली दिलदारी जो बिना नाम के होती है, आम वाली दिलदारी दिखाने के लिए आज हम माजा की तरफ से सम्मानित करना चाहेंगे एक ऐसी शख्सियत को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पटना बिहार की शाहीना परवीन जी का। मैं जी वाइस को माजा और IBFA का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे काम की सराहना की और IBFA जैसे इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मुझे सम्मानित किया। शुक्रिया शाहिना जी के लिए, एक बार जोरदार तालियां। IBFA 2023 के मंच से बेस्ट एक्टर इन लीड रोल फीमेल को सम्मानित करने के लिए मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी जैकलिन फर्नांडिस एंड मिस्टर अभय सिन्हा जी को। IBFA 2023 बेस्ट एक्टर फीमेल के नॉमिनेशंस पर IBFA 2023 बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल Amrapali Dubey for LoveViva.com. सबसे पहले तो थैंक यू अभय भैया। हर बार IBFA अवार्ड्स का स्तर और ऊपर लेकर जाते हैं और हम सबको और गौरवान्वित करते हैं। थैंक यू सो मच। और ये अवार्ड मुझे मिला है LoveViva.com के लिए, जो फिल्म डायरेक्ट की है मेरे भाई अनंजय रघुराज ने। और आज मेरी मम्मी यहाँ है मेरे सामने। आपके सामने जब भी अवार्ड लेती हूँ माँ, मुझे लगता है कि मैंने लाइफ में सच में कुछ अचीव किया है। थैंक यू सो मच एवरीवन। क्या बात है, हमने अक्सर नोटिस किया है कि अपनी हर सफलता का क्रेडिट अम्रपाली जी अपनी माँ को जरूर देती हैं। आखिर माएं होती ही ऐसी हैं, जो अपने बच्चों की हमेशा तैयारी जीत की कराती हैं। जोरदार तालियां हो जाए अम्रपाली जी की मम्मी जी के लिए। Oh, 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 oh
जोशीला डांस, थक गए होंगे। ये लो सॉफ्ट ड्रिंक, पी लो। अरे नहीं नहीं नहीं, ये थकान तो सिर्फ थम्स अप ही मिटा सकता है, क्योंकि ये सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, ये है तूफान। जोरदार तालियां हो जाए इस तूफानी परफॉर्मेंस के लिए। थैंक यू। अब हम इनवाइट कर रहे हैं ऐसे भोजपुरी सुपरस्टार को जो एक्टर भी है, जो सिंगर भी है, म्यूजिशियन भी है, लिरिसिस्ट भी है, सोशल वर्कर भी है, क्रिकेटर भी है, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन। इनफैक्ट हम अब तक जितने भी अवार्ड दे चुके हैं, अगर वो सारे अवार्ड सिर्फ उन्हें दे दिए जाए तो भी जस्टिफाइड होगा। प्लीज वेलकम सुपरस्टार अभिनेता टू नेता वन एंड ओनली मनोज तिवारी जी विद भोजपुरी की ड्रीम गर्ल शुभी शर्मा। आप सब लोगन के स्वागत करतनी, गोल लगतनी, प्रणाम करतनी आप सबके। एक बार जोर से गूंजे के चाहिए, जय बिहार, जय यूपी, जय भोजपुरी। हम भी अब एक दो गाना आप लोगन के सुनावल चाहतनी। के दर पे गरीबी मिटाने, कन्हैया के दर पे गरीबी मिटाने, लेके सुदामा नसीबा गए हैं, लेके सुदामा नसीबा गए हैं, असरा लगाए सपना सजाए,
कान्हा के घर पे गरीबा गए हैं, कान्हा के घर पे गरीबा गए हैं, कान्हा के घर पे गरीबा गए हैं, कान्हा के घर पे गरीबा गए जाके रुक्मिणी जी से संदेशा बताओ, जाके रुक्मिणी जी से संदेशा बताओ, नजर पे है टोपी आहा, नजर पे है जामा ओहा, रुक्मिणी जी को बता दो नाम है सुदामा, ओहो यारे द्वार पालो जल्दी से जाओ, जाके बताओ जाओ, जाके रुक्मिणी जी से संदेशा बताओ, अटकते भटकते कलजुगी गली में, अटकते भटकते कलजुगी गली में, मूर्ति के कितने करीब आ गए हैं, मूर्ति के कितने करीब आ गए हैं, कान्हा के घर पे गरीब आ गए हैं, कान्हा के घर पे गरीब आ गए हैं। भाई हूँ सुदामा जी का कृष्ण का दीवाना हो, भाई हो सुदामा जी का कृष्ण का दीवाना, जींस है भले फटेला भले कुर्ता पुराना, भाई हूँ सुदामा जी का कृष्ण का दीवाना, जींस है फटेला भाई हूँ सुदामा जी का कृष्ण का दीवाना। क्या बात है, अम्मी नाची नाची सबका दिल बहलाए रे भैया, हम भी मनोज जी के फैन है। कहो दिनेश निरहुआ, अरे ही हंस दे ले, चट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हंस देले रिंकिया के पापा, ही हंस देले। एंजॉय करिए और इस बात को महसूस किया जाए, एक बिहारी सब पे भारी, देखत देखत मैदान मार के ले गए, अब का करवा। भाई लोग, बस हम लास्ट लाइन ही बोलल चाहतनी, हमनी के भोजपुरी सिनेमा में बहुत अच्छा बात ही रहल बा कि भोजपुरी पिक्चर खाली भोजपुरी बिहार यूपी के लड़का लिखे करत, बल्कि पूरे दुनिया के लोग भोजपुरी फिल्म करता। ए नाते स्वागत होके के चाहिए, ताली बजे के चाहिए, सब कर वेलकम होके के चाहिए। आज की इस हसीन शाम में चार चांद लग चुके हैं, क्योंकि हमारे बीच बैठे हैं सुपरस्टार हीरो नंबर वन गोविंदा जी। जोरदार ताली हो जाए गोविंदा जी के, और ब्यूटीफुल सुनीता मैम भी साथ ही बैठी हैं। क्या बात है मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो हेलो एवरीवन, आप लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई। देखिए मेरा गला बैठा हुआ है लेकिन मैं खड़ा हूँ। मेरा गला थोड़ा बदतमीज है,
मैं इसलिए आया हूँ कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिल रहा है मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ एक फिल्म करना चाहता हूँ। लेट्स डू इट। एक सेकंड, उनसे भी तो पूछ लीजिए कि वो आपके साथ फिल्म करना चाहते हैं कि नहीं। उसकी तैयारी मैं कर चुका हूँ। 10 तक उल्टी गिनती और हाथ जोड़कर विनती, मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, तुम अपनी फिल्म अपने पास रखो और इसे बनाना है कि फेंकना है वो बेस्ट डायरेक्टर को डिसाइड करने दो, ठीक है? तो आइए देखते हैं बेस्ट डायरेक्टर के नॉमिनी। IBFA 2023 बेस्ट डायरेक्टर के नॉमिनेशंस पर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जाता है रजनीश मिश्रा जी, डोली सजा के रखना। नहीं रे मामू, आज सुबह मैं जल्दी उठा था। अरे समझा क्या सर्किट? अरे यार, कितना संजय दत्त इसके अंदर, गोविंदा जी इसके अंदर इतना संजय दत्त घुसा हुआ है ना, मैं तंग आ गई हूँ। पता है आपको, मेरे अंदर से एक ही आवाज आती है, मैं तो इतना लाइफ खराब है, इतना लाइफ खराब है। अरे बाप रे, इसके अंदर कंगना आ गई। आपको पता है ये ना खुद संजय दत्त दिखने की वजह से ना मुझे अपने साथ सर्किट बन के घुमाता है। और आपको पता है हमारी शादी के वक्त ना इसने ना 5 वरमाला वेस्ट कर दी, क्योंकि जब भी मैं इसके गले में वरमाला डालने जाती थी ये ऐसे 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 करने लगता था। 2 तो मैंने गलती से पंडित के गले में डाल दी। अरे तुम्हें पता है मैं तो मनोज जी से शादी करने वाली थी,
अरे तो मनोज जी से शादी कर लेती, मेरी जान तो बच जाती। अरे नहीं, वो क्रिकेटर है ना, पता चलता कि 6 फेरों के बाद बोल रहे मेरा ओवर तो खत्म हो गया, बाकी के अपने आप ले लो, फिर क्या होता। इसके अंदर की कंगना से मैं परेशान हो चुका हूँ गोविंदा जी। हनीमून पे अकेली चलेगी, कहने लगी मैं क्वीन हूँ, मैं औरत हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अकेले कौन जाता है हनीमून पे? अरे ये काम जोड़ियों में किए जाते हैं, हर काम जोड़ी में अच्छा लगता है। घड़ी में भी सुई ना हो ना मिनट की, तो घंटा पूरा नहीं होता। अरे ये अब संकेत, इतने बड़े बड़े लोगों के सामने कैसी कैसी बातें कर रहे हो? हमारी कैसी कैसी बातों के सामने इतने बड़े बड़े लोग बैठे, मैं क्या करूँ? राष्ट्रीय स्तर पर भोजपुरी भाषा को पहचान और भोजपुरिया जनता को सम्मान दिलाने वाली शख्सियत को हम सम्मानित करेंगे ग्लोबल आइकन अवार्ड से। और सम्मानित करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा शंकर शर्मा जी और मधुर भंडारकर जी को। नमस्कार सब लोगों, IBFA 2023 ग्लोबल आइकन अवार्ड बहुत ही फेवरेट, हम सबके फेवरेट, हम सबके चहीते, पूरा देश इनसे प्यार करता है, वन एंड ओनली मनोज तिवारी। क्या बात है, क्या बात है। अंदर से संजू बाबा कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या क्या? मनोज जी को देख के लगता है कि ये मनोज रंजन है, मनोरंजन करने वाले मनोज रंजन। जोरदार तालियां हो जाए। अब बढ़ते हैं आगे हमारी अगले परफॉर्मेंस की तरफ। तैयार हो जाइए एक जोरदार डांस परफॉर्मेंस देखने के लिए, जोरदार तालियों के साथ। कम ऑन। जा तो बा
Actors Pride present IBFA 2023, co-powered by Parley Happy Happy and Cadbury Bonvita, cosmetics partner Dazzler Eterna, special partner Yippie Masala Noodle by Balaji Wafers. अब अगला अवार्ड है स्प्राइट बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल 2023 बेस्ट एक्टर मेल की. लेट्स हैव नॉमिनी प्लीज. स्प्राइट बेस्ट एक्टर मेल के नॉमिनेशंस बार. और इसकी घोषणा करने के लिए मैं इनवाइट करती हूँ श्री अभय सिन्हा जी और जैकलीन फर्नांडिस को. अरे निरहुआ और पवन के चेहरे तो देखो, फुल टेंशन. अरे टेंशन तो मुझे भी है, क्योंकि निरहुआ, पवन, चिंटू और खेसारी सबके सब एक से बढ़कर एक एक्टर है. पता नहीं किसको अवार्ड मिलेगा यार. अरे इतनी टेंशन मत ले यार, तू एक काम कर, ये ले स्प्राइट पी और ठंड रख, और अवार्ड किसको मिलता है ये देख. जैकलीन जी, प्लीज अनाउंस द नेम. स्प्राइट बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल, पवन सिंह फॉर हमार स्वाभिमान. सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम. और हम हर मंच पे यही बोलते हैं कि जब मैं आप सभी का पैर छूं तो एक ताली बजा के आशीर्वाद दे दीजिए. क्या बात है? इस अवार्ड के असली हकदार हमारे ऑडियंस है, जो मेरे लिए भगवान है, क्योंकि आप हैं तो ये सारी चीजें हैं. और थैंक यू सो मच अभय भैया, अजय भैया, संजय भैया और मेरा छोटा भाई निशांत, जो इस मंच पे हमको ये सम्मान दिए. हर तू लगा बेलू जब लिपस्टिक, अहिले लो सारा डिस्टिक. तू लगा बेलू जब लिपस्टिक, अहिले लो सारा डिस्टिक. जिला टॉप लगेलू, ओ जिला टॉप लगेलू. कमरिया 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 करे लपलप, अरे लॉलीपॉप लगेलू. हो चुकुरिया झुमा दे पूरा मुझे खली. अवार्ड जीतना मुश्किल है, लेकिन सबसे मुश्किल है व्यूअर्स का दिल जीतना, उनकी कीमती वोट जीतना. और हमारी अगली अवार्ड कैटेगरी जी बायोस्कोप फैन अवार्ड्स में हमारे व्यूअर्स ने खुद चुना है उनका बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस और फिल्म.
जी बायोस्कोप फैन अवार्ड्स की कैटेगरी में सबसे पहले हम सम्मानित करेंगे उस फिल्म को जिसे सबसे अधिक व्यूज ने पसंद किया है, यानी कि जी बायोस्कोप फैन अवार्ड्स बेस्ट फिल्म डोली सजा के रखना। अगला अवार्ड है जी बायोस्कोप फैन अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस का और इस अवार्ड की विनर है। तो बेस्ट एक्ट्रेस के बाद अब बारी है जी बायोस्कोप फैन अवार्ड बेस्ट एक्टर मेल की, जिसके विनर हैं। क्या बात है? अवार्ड्स तो हो गए हैं फाइनल, लेकिन अब एक सरप्राइज बाकी है। अभी बाकी है एक ऐसे अभिनेता की एंट्री जिसने अपने कैरेक्टर्स और वेशभूषा से भोजपुरी भाषा और कल्चर को बड़े पैमाने पर हिंदी फिल्मों में प्रमोट किया है। जिनके ठुमके के बिना कोई शादी पूरी नहीं होती। प्लीज वेलकम द मोस्ट वर्सटाइल एक्टर एंड एंटरटेनर नंबर वन, हीरो नंबर वन, ठुमका बाज नंबर वन, स्टार नंबर वन, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एंड अ ग्रेट डांसर, गोविंदा जी। फेमस और बहुत फेवरेट डायलॉग है, इतनी खुशी इतनी खुशी मुझे आज तक कभी नहीं हुई। अब बारी है बेस्ट फिल्म को सम्मानित करने की। यह अवार्ड शो तो एक महीने में बन गए, लेकिन चार महीने ये जानने में निकल गए कि बेस्ट फिल्म कौन सी है। आइए देखते हैं बेस्ट फिल्म के नॉमिनी। IBFA 2023 बेस्ट फिल्म के नॉमिनेशंस बार, और इस अवार्ड की घोषणा करेंगे मिस्टर अभय सिन्हा और जैकलिन फर्नांडिस। बेस्ट फिल्म जाता है हमारे स्वाभिमान राम शर्मा जी को। IBFA 2023 का टैगलाइन है भोजपुरिया झुमा दे पूरा बुर्ज खलीफा। लेकिन जी बायोस्कोप सिर्फ बुर्ज खलीफा ही नहीं, पूरे भोजपुरिया समाज को झुमाने में लगा है। जी बायोस्कोप अब ना सिर्फ ब्लॉकबस्टर फिल्में दिखाएगा बल्कि बनाएगा भी, जो भोजपुरी भाषा और माटी के रंग में रंगी होंगी। दर्शकों के मनोरंजन के लिए जी बायोस्कोप एक शानदार पहल है। इन फिल्मों की खासियत होगी कि इसमें आम भोजपुरिया की जिंदगी से जुड़ी कहानियां होंगी, उनके अपने मुद्दे और संस्कृति दिखेगी, जो दर्शकों को घर बैठे बड़े पर्दे वाली फिल्मों का एहसास कराएंगी। इन फिल्मों को देखकर हर भोजपुरी दर्शक मनोरंजन से भर जाएगा, मनोरंजन ही पिएगा और मनोरंजन ही खाएगा, और तो और मनोरंजन ही गुनगुनाएगा। और ये फिल्में कहलाएंगी जी बायोस्कोप ओरिजिनल्स, यानी के ZBO। तो चलिए अब देखते हैं जी बायोस्कोप की पहली ZBO, प्रीत का साया की एक झलक, जो है एकदम हटके एकदम अलग।
2023 की आज की शानदार शाम यही समाप्त होती है। अगले साल फिर मिलेंगे इसी जोश के साथ। सो दुबई